भारत की बॉक्सिंग क्वीन एमसी मैरी कॉम ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पे ये एलिगेशन लगाए हैं कि उन्होंने उसके पीठ पे छुरा घोंपा है। जी हाँ, जिस तरह प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मैरी कॉम को कोलंबिया की बॉक्सर वेलेंसिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद मैरी कॉम काफी ज्यादा गुस्से में है। मैरी कॉम को ये जरा भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो ये मुकाबला हार गई है। अब मैरी कॉम ने यहां जाके आरोप लगाया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पे कि उनके साथ ठगी की गई है और ये ठगी करी है जजेस ने। जी हाँ, जब बॉक्सिंग मैच चल रहा था तब उससे पहले ही मैरी कॉम को कहा गया था कि आपको अपनी जर्सी बदलनी पड़ेगी क्योंकि आपकी जर्सी के पीछे आपका नाम और आपके देश का नाम लिखा है, लेकिन कोलंबिया की जो बॉक्सर है उनको ऐसा करने से मना नहीं किया गया। जबकि जब सेकंड राउंड का मुकाबला हुआ था, मैरी कॉम ने वो जर्सी पहनी थी। तो कुल मिला के ये जब मैरी कॉम का एलिगेशन है कि उससे उनका हौसला भी टूटा, लेकिन जब पूरे मुकाबले में वो हावी रही, उन्होंने कई पंचेस लगाए बॉक्सर को, अपोनेंट बॉक्सर को, वेलेंसिया को, तो आखिर वो मुकाबला हार कैसे गई जब उन्होंने पूरी तरह से मुकाबले को डोमिनेट किया था। तो यही अब जो मैटर है, अब ये पॉलिटिकली भी मैटर बड़ा बनता जा रहा है। अगर देखें तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बोला है कि ये जो भी मैरी कॉम के साथ हुआ है वो बेहद बेहद गलत काम हुआ है। और यहाँ मैरी कॉम एक बहुत दिग्गज भारत की आन बान शान है और एक जो भी इनके साथ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। वहीं अगर देखें तो अरुणाचल से आए और पूर्व खेल मंत्री और आज के जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने भी मैरी कॉम के हाँ में हाँ मिलाई है कि जी हाँ, कि कुछ ना कुछ तो गलत मैरी कॉम के साथ जरूर हुआ है। और जिस तरह पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई है, पूरी तरह से ऐसा लगा गया है कि भारत को यहाँ पर पदक से वंचित करने की पूरी साजिश रची गई है। मैरी कॉम काफी ज्यादा शॉक में है और वो बार बार वो कह रही है कि आखिर इस पूरे मामले की जांच क्यों नहीं हो सकती। लेकिन जो आईओसी का जो चार्टर है उसमें ये लिखा गया है कि ऐसे मामलों की जांच नहीं हो सकती। तो यहीं पर ही मैरी कॉम का गुस्सा है। मैरी कॉम बार बार कह रही है कि उनकी पीठ पर छुरा घोंपा गया है और ये छुरा घोंपा है आईओसी ने, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। और उनका यह भी कहना है कि ऐसी हरकतें होती रही तो भारत को जितने भी मेडल्स हैं, पदक हैं, उनसे चूकना पड़ेगा। आज सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।